नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे शादी और विवाह की कि आपका जो विवाह है वो किस सन में हो जाएगा, यानी किस ईयर में आपकी शादी होगी, और वो भी बिना कुंडली, बिना किसी राशि देखे, बिना किसी प्रकार से कोई पंचांग का उपयोग किए हुए, आपकी सिर्फ जन्म तारीख से, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसी से हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि आपकी शादी का वर्ष कौन सा होगा, किस वर्ष में आपकी शादी होगी। तो अगर आपको भी जानना है कि आपकी शादी कब होगी, या आप अपने बच्चे के बारे में या किसी दोस्त के बारे में जानना चाहते हैं कि फलाने व्यक्ति की शादी किस वर्ष में होगी, तो आप बहुत आसानी से इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप ये निकाल सकते हो। तो चलिए मैंने एक जन्म तिथि ले लेता हूँ, किसी का भी एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 24/6/1985, ये मैंने एक डेट ले ली, कोई किसी व्यक्ति की ये डेट ऑफ बर्थ है। इसको देखते हैं कि इसकी शादी कब होने वाली है या कब हुई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मूलांक निकालता हूँ। मूलांक निकालने का तरीका है, जो भी आपकी डेट है, जिस डेट को जन्म हुआ है, उन डेट की जो डिजिट्स है उसको आपको ऐड करना है। जैसे यहाँ डिजिट है 2 और 4, तो 2 और 4 को आपको ऐड करना है, तो आंसर कितना आएगा, 6। जरूरी कि हमेशा हर व्यक्ति की जो डेट है वो 2 डिजिट में हो सकता है किसी की तारीख 1 हो 2 हो 3 हो, तो उसमें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज़ करिए कि किसी का जन्म है वो 2 फरवरी को है, 2 फरवरी 1950 का है सपोज़ करो, तो इस 2 को करने के लिए, यानी 2 को सिंगल डिजिट बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप 2 का ही यूज़ करेंगे, यानी 2 का ही यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी 10 या 10 से 30 के बीच में कोई सा भी नंबर आता है, यानी जिसमें 2 डिजिट आती है, तो उसको आप इस तरह से ऐड करके सिंगल डिजिट बनाओगे, यानी कि मूलांक निकालोगे। ठीक है, तो हमारा मूलांक निकल गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम निकालते हैं मूलांक और प्लस माह। मूलांक आपने अभी निकाला था 6, तो मूलांक को एज इट इज लिख लेते हैं 6 प्लस, अब चाहिए माह, तो इसमें माह कितना, देखिए माह है 6। ठीक है, तो मैंने माह यहाँ क्या लिख लिया, 6, तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब फिर से ये डबल डिजिट का नंबर आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए सिंगल डिजिट, तो इस 12 को हम ऐड करेंगे, यानी कि 1 प्लस 2, क्योंकि 12 में 2 डिजिट है, 1 और 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आता है, 3, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे आपको निकालना है विवाह मूलांक। विवाह मूलांक कैसे निकालेंगे कि सपोज़ करिए कि आप जानना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की शादी क्या 2022 में होगी क्या, तो 2022 में अगर आप जानना चाहते हैं उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, तो आप यहाँ पर 2022 लिख लीजिए, 2022। ओके, अब इस 2022 में आपको क्या करना है कि ये जो विवाह मूलांक आया है ये वाला, इसको इसमें ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 3 को ऐड कर दिया। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसको, इसकी सारी डिजिट को अब ऐड करना है, क्या है यहाँ पे, 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3, इन सबको ऐड करना है, तो 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6, और 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9। ओके, इस तरह से सारी को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। अब ये आपकी इम्पोर्टेंट है, यानी कि विवाह मूलांक, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे विवाह मूलांक लिखा हुआ है, इस विवाह मूलांक में इसको देखेंगे, और जो यहाँ पे जन्म मूलांक लिखा है, यानी कि जिसका आंसर आपका 6 है, वो आपको इस टेबल में देखना है। ये दो एक टेबल बनी है जिसमें 2 कॉलम है, एक में जन्म मूलांक का कॉलम है और दूसरे में विवाह मूलांक का कॉलम है। तो सबसे पहले हम मूलांक, जो जन्म मूलांक है, उसको सर्कल कर लेते हैं। जैसे ये 6 आया मेरा, तो 6 को मैंने यहाँ सर्कल कर लिया। ठीक है, ये 6 मेरा सर्कल हो गया। अब ये 6 वाले जो कॉलम है, इसमें मुझे देखना है कि कहीं 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 वाले कॉलम में 9 ढूंढना है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन है, 1 2 3 5 6 और 9, इसका मतलब 9 आ रहा है, इसका मतलब इस इंसान की शादी 2022 में होगी। ठीक है, ये कन्फर्म है। तो इस तरह से आप किसी भी इंसान का निकाल सकते हो कि किस साल में उसकी शादी होगी। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ करिए किसी इंसान की जो शादी है वो 2 मार्च 1999 को उसका जन्म हुआ है, 2 मार्च 1999। सबसे पहले इसका मूलांक निकालेंगे, मूलांक में क्या लिखा है, 2, तो मूलांक में आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 2 लिख देंगे आप। ठीक है,
फिर अब आता है मूलांक एंड माह। तो मूलांक तो आपका 2 है और माह देखते हैं, माह मतलब मंथ कौन सा है, मंथ कौन सा थर्ड मंथ है, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा आपके पास 5। तो आपने मूलांक भी निकाल लिया और मूलांक प्लस माह भी निकाल लिया। अब इसका अपने को चेक करना है कि इसकी शादी 2023 में होगी कि नहीं होगी, 2023 में इसकी जो मैरिज है वो होगी कि नहीं होगी, ये चेक करना अपने को। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2023, ठीक है। इसमें क्या ऐड करना मुझे, ये जो आया अभी विवाह मूलांक, ये मुझे सॉरी जो मूलांक और प्लस माह आया वो मुझे इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से नंबर है यहाँ पे, एक तो 2 है, प्लस 0, प्लस 2, प्लस 3 और प्लस 5, इन सबको ऐड करना है। तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 कितना होता है, 7 प्लस 5 होता है 12, 12 फिर से डबल डिजिट का नंबर आ गया, तो इसको फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना आया, 3, ठीक है। तो एक तो 3 इंपॉर्टेंट है आपका और दूसरा क्या है, 2 इंपॉर्टेंट। अब ये दोनों चीज़ों को हम इस जगह पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जन्मूलांक, जन्मूलांक आपका कितना है, 2 है, तो पहले 2 वाली लाइन में आप सर्कल कर लीजिए ताकि आपको पता चले कि किस लाइन में आपको ढूंढना है, ठीक है। फिर उस लाइन में आपको 3 को ढूंढना है कि 3 उसमें है कि नहीं है। तो देखिए 1, 2, 5, 6, 8 ये नंबर्स हैं, इसमें कहीं पर भी 3 नहीं नज़र आ रहा आपको। अगर 3 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति की शादी 2023 में नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति की शादी का पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की शादी किस साल में होने वाली है। और अगर आपको चेक करना है कि ये जो मेथड है वो सही है कि नहीं, तो जिनको आप जानते हो, जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी को यहाँ से कन्फर्म करके देख सकते हो। यानी कि मान लीजिए आपके बड़े भैया है, दीदी है, कोई भी आसपास के कोई लोग हैं जिनकी शादी की डेट आपको पता है, उनका डेट ऑफ बर्थ भी अगर आपको पता है, तो आप इजीली इस मेथड के थ्रू अपने आप को चेक कर सकते हो, या इस मेथड को चेक कर सकते हो कि ये मेथड करेक्ट है या नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों पर इस मेथड को अप्लाई किया है और हर बार इसका जो रिजल्ट है 100% आया है। इस आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें दी गई जो जानकारी है वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ से लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मिनट को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।